एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो कि काफी टेस्टी बनेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये लड्डू मैंने बनाए हैं कुछ किसी की वीडियो देख के। तो आप लोगों को ये जो थंबनेल लगा हुआ उससे पता लग ही गया होगा कि मैंने किसकी वीडियो देखी है। तो बस मैंने जो है मसाला किचन के अंदर जो आंटी जी रहते हैं उन्हीं की वीडियो मैंने देख के बनाई है। और वो चीजें मैं उनको देख देख के सीखती भी रहती हूँ। और भी विंटर सीजन चल रहा है तो सभी को पसंद आएगी, क्योंकि सभी को खाना भी चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। देखते हैं आगे का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से सारी सामग्री रख ली है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तो यहाँ पे मैंने लिया सबसे पहले इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और इससे हमारे लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिए खजूर, जिसको मैंने ना मिक्सर में पीस लिया है। और एक लिए मैंने जायफल, एक कटोरी खसखस, एक कटोरी काजू, आधा कप यहाँ पे मैंने घी लिया है जो कि हमें कमी लगने वाला है। और यहाँ पे एक कटोरी मैंने ली है नारियल का बूरा, यहाँ पे एक कटोरी लिए मैंने बादाम, और यहाँ पे मैंने लिए पिस्ता, वो भी एक कटोरी है, और एक कटोरी कद्दू के बीज, और एक कटोरी यहाँ पे मैंने लिए है किशमिश, और यहाँ पे मैंने लिए मगज के बीज। इन सभी को जो है हमें बारीक पीस लेना है, जिसमें की है बादाम। सबसे पहले हम बादाम को पीस लेंगे और यहाँ पे जो है मान दस्ते में हमें कूटना है आराम से। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें मोटा ही रखना है। बादाम, काजू और पिस्ता को पीस लेंगे, बाकी चीज़ों को हम रहने देंगे। तो फिर मैंने इसमें डाला 2 चम्मच घी, जिसमें कि हम हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है उसको हम धीरे धीरे फ्राई करते रहेंगे। तो यहाँ पे घी को पिघला लेंगे सबसे पहले। तो अच्छे से ये गर्म हो गया है और उसके बाद में हम यहाँ पे जो हमारे सीड्स है ना, इनको हम इसमें फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैंने डाले मगज के बीज, अब ये है कद्दू के बीज जो कि हमारी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। सबसे पहले हम दोनों बीजों को ही अच्छे से फ्राई करेंगे, बाकी को हम बाद में करेंगे आराम से। फिर हमें इसे आराम आराम से चलाते रहना है जब तक कि इसमें से आवाज़ ना आने लगे। और ये जब सीख जाएंगे ना अच्छे से, तब इसमें से है ना थोड़ी सी आवाज़ आने लग जाएगी, यानी कि फूटने लग जाएंगे। और ये थोड़े हल्के से ब्राउन टाइप में हो जाएंगे जो व्हाइट वाले बीज है। तो और यहाँ पे इस तरह से मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में या फिर किसी बाउल में। तो आपको इस तरह से निकाल लेना है अगर आप बना रहे हो अपने घर में। तो फिर से मैं एक यहाँ पे चम्मच यहाँ पे डाल दूंगी घी का। और फिर हम इसमें डालेंगे बादाम जो कि हमने कूट के रखी थी पहले से ही। और अब इसमें हम डालेंगे काजू, साथ में हम इसमें पिस्ता भी ऐड कर देंगे। फिर हमें इसको आराम आराम से चलाना है और हमारी जो गैस की फ्लेम है वो हमें मतलब धीरे ही रखनी है, तेज नहीं रखनी है। क्यों तेज रखने से वो क्या होगा कि वो जलने लग जाएगी, क्योंकि मेरे साथ पहले हो चुका है। और इसीलिए हमें जो गैस की फ्लेम है वो धीरे ही रखना पड़ेगी, जिससे कि हमारे ड्राई फ्रूट जो है ना वो जले नहीं। और धीरे धीरे से हम आराम से चलाएंगे। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे घी कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच इसमें और ऐड कर दिया। तो ये ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से सिक चुके हैं और यहाँ पे मैंने जो है अलग से थाली में डाल के रख लिए हैं। और यहाँ पे फिर से मैं 1 चम्मच यहाँ पे घी का डालूंगी, वैसे हमारा घी काफ़ी कम लगने वाला है। और यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे मैं किशमिश का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे किशमिश को हम इस तरह से जो है अकेले को फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो किशमिश है वो भी अच्छे से सिक चुकी है और यहाँ पे हम इसको भी निकाल लेंगे। और यहाँ पे फिर से मैं 1 चम्मच यहाँ पे घी ऐड करूंगी और यहाँ पे हमें जो है 3 से 4 चम्मच घी का ही लगेगा। और मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, वो ये कि मुझे जो घी का जो मैंने क्वांटिटी रखी ना, मतलब 2 चम्मच यहाँ पे मैंने डाले शायद, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं डालने थे, क्योंकि यहाँ पे जो नारियल होता है ना उसमें ऑलरेडी खुद में इतना मतलब ऑयल होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच का ही यूज लेना था। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच डाल दिए थे, तो वो हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे मुझे जो है 1 चम्मच ही डालनी थी, तो चलो कोई नहीं, वो मिस्टेक हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद में जो खसखस थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। और इन दोनों को हम एक साथ ही फ्राई करेंगे अच्छे से। और ये हल्का सा ही हमें जो है रोस्ट करना है, ज़्यादा मतलब उसको जलाना भी नहीं है और ज़्यादा हमें जो है ब्राउन होने तक सेकना भी नहीं है, हल्का सा रोस्ट करना है। ये देखो हल्का हल्का सा ब्राउन हुआ, ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ ये,
मतलब कि जो खसखस है ना वो इसमें ज़्यादा दिख रही है। तो और अब यहाँ पे फिर से मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। वैसे तो मैंने मतलब कि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी ड्राई फ्रूट्स की, आप अगर कम बनाना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो कम या ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे मैंने खजूर को जो है सेका, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ी, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था और मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत थी इसी में आई थी लास्ट में, और ये मतलब कि हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने यहाँ पे जो है मेरा मतलब कि जो जाली वाला चम्मच है स्टील वाला, वो वाला यूज में लिया। फिर बाद में इसको मैंने दबा दबा के इसको अच्छे से जो है तोड़ना स्टार्ट किया ताकि हमारा खजूर अच्छे से सिक जाए। और आपको पता है सबसे मेन ये खजूर ही है जिससे कि हमारे जो लड्डू बनेंगे ना वो लड्डू इसी से बनेंगे, वो इसलिए क्योंकि खजूर ही सबसे मेन है और ये जो मिठास आएगी ना वो इसी वजह से आएगी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने जायफल का पाउडर डाल दिया है जो कि मैंने पीस लिया था, और यहाँ पे मैं डालूंगी इलायची पाउडर जो कि लास्ट में डाल रही हूँ। इसको मैंने कुछ भी मतलब फ्राई वगैरह नहीं किया है, ऊपर से अलग से ऐड किया है। सारा प्रोसेस तो हो ही गया है, उसके बाद में बारी आती है लड्डू बनाने की। लड्डू बनाते समय मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और सबसे पहले वो इसमें ये था कि जो सारे ड्राई फ्रूट्स थे वो तो ठंडे हो गए थे, लेकिन जो ये खजूर था ना, खजूर का पेस्ट काफ़ी ज़्यादा गर्म था, तो मुझे ना थोड़ा टाइम लगा उसमें। और फिर यहाँ पे मैं लड्डुओं को बांधने लग गई, जो कि मतलब आधे लड्डू जो है कम से कम 13-14 लड्डू ही अच्छे से ये हो पाए थे, बाकी के सारे लड्डू ऐसे रह गए, मतलब कि पूरा मतलब जैसे एक चूरमा होता है वैसा बन गया था। तो इतने लड्डू ये बंध पाए मुझसे, बाकी हो ही नहीं रहे थे। तो बताना मुझे कैसी लगी आपको ये रेसिपी, लेकिन खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। मतलब दिखने में तो आपको शायद अच्छे लगे ना लगे, बट मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे क्योंकि बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।